हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बनाएंगे ग्रीन सैंडविच। तो इसके लिए मैंने करीब एक कटोरी मैंने मटर लिया है। इसमें हम दो हरी मिर्ची और 5-7 वाली लहसुन के साथ मैंने यहाँ एक टुकड़ी अदरक भी डाल दिया है। अब हम इसमें एक गिलास पानी डाल के इसको उबाल लेंगे और बिल्कुल इस तरह का पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसको थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है आपको। और यहाँ मैंने 2-3 आलू उबाल लिया था, इसको भी छील के मैंने ले लिया है। अब हम इसमें कटी हुई धनिया डालेंगे, प्याज डालेंगे। तो थोड़ी सी प्याज हम अभी डालेंगे और थोड़ी सी प्याज हम बाद के लिए बचा के रखेंगे। साथ ही हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 मिर्ची का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसमें लाल मिर्ची का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच चंकी चाट मसाला लिया है और 1 चम्मच मैंने मैगी मसाला लिया है, 1 चम्मच चाट मसाला और काली मिर्च का पाउडर। और उसके साथ मैंने यहाँ जीरा लिया है, साबुत जीरा, आप चाहें तो जीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़े चम्मच से अरारोट का आटा या कॉर्नफ्लोर। इसको डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और कटे हुए टमाटर इसमें मिलाएंगे। तो टमाटर के पहले मैं यहाँ पे 1/2 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलें। अब हम इसको मिक्स करेंगे और अच्छे से इसको फोड़ के अच्छे से इसको पूरी तरह से मिक्स करके इसकी कुछ गोल गोल टाइप की टिक्की बना लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह मैंने यहाँ बनाया है। मैंने यहाँ 5-7 ब्रेड ले लिया है। एक ब्रेड पर मैंने अच्छे से इसमें वो टोमेटो केचप मैंने इसमें फैला दिया है, और एक टिक्की मटर की ये जो टिक्की है इसको भी हम अच्छे से इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो चम्मच की सहायता से आपको कॉर्नर्स तक अच्छे से इसको फैला देना है। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन के भी तैयार हो जाती है और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगती है। डेली जो हम सैंडविच खाते हैं उससे ये थोड़ा सा टेस्ट में अलग होती है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई प्याज जो मैंने बचा के रखी थी और धनिया वगैरह सब डालेंगे, और थोड़ा सा टोमेटो केचप हम इसके ऊपर से और डाल देंगे। तो बिल्कुल चटपटा टेस्ट आता है इससे। तो ये डालने के बाद हम इसमें चीज़ स्लाइस भी डालें ऊपर से रखेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। चीज़ स्लाइस रखने के बाद मैंने यहाँ गाजर को कद्दूकस किया हुआ था, इसको भी हम ऊपर से डाल देंगे। तो ये फुल कलरफुल सैंडविच बनके तैयार होता है। इसको मैंने बंद कर दिया है, ऐसे ही मैं एक और तैयार करूँगी। तो सेम प्रोसेस हमें इसमें भी दोहराना है। फ्रेंड्स, अगर आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलती है तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मेरी आपको मिल जाए। क्योंकि वीडियोस तो मैं डालती रहती हूँ, बट उस पर आप लोगों को शायद नोटिफिकेशंस नहीं मिलते हैं। यहाँ मैंने सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल दिया है। तो सुबह सुबह दौड़ भाग के समय में आप इसको फटाफट बना के खा सकते हैं। यहाँ मैंने स्वीट कॉर्न भी ऐड किया है। और इसके ऊपर हम चीज़ स्लाइस रखेंगे और टोमेटो केचप रखेंगे। सब कुछ डाल के इसको हमें बंद करना है और अच्छे से तवे पे हम इसको सेकेंगे। तो यहाँ अब हम तवे पे रेडी करेंगे इसको।
तो धीमी धीमी आँच पे आपको अच्छे से इसको क्रिस्पी करना है। इसको मैं थोड़ा सा एक बर्तन से ढक देती हूँ अभी, जिससे कि जो इसमें चीज़ पड़ा है वो थोड़ा मेल्ट हो जाए अंदर, और इसको पलटे की सहायता से उलट पलट के हम सेक लेंगे। तो बिल्कुल ये क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। ये देखिए, मैंने चाकू की सहायता से इसको कट भी कर लिया है। ये देख लिए, देखने में कितना कलरफुल लग रहा है और खाने में बहुत अच्छा है ये। आप इसको कैचअप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।